कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण के सामने पूजा पाठ करने और दीपक जलाने का महत्व बताया गया है। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी के शुभ समय में घरों में दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन घर में दीपक जलाने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदू धर्म में इस त्योहार को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाने का विधान है। इस बार नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस पर्व को पूरे विधि विधान से मनाने पर जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव जगत का कल्याण करने के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। प्राचीन काल से ही दिवाली से पहले नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन सूर्योदय के समय गंगा स्नान करने और रात में दीपक जलाने का महत्व होता है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 30 अक्टूबर की दोपहर 1:16 से शुरू होगी, जो 31 अक्टूबर के दोपहर 3:52 तक रहेगी। नरक चतुर्दशी पर श्री कृष्ण की पूजा प्रदोष काल में करने का खास महत्व होता है। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन यम के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही यम के नाम दीपक जलाने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने शरीर की मालिश सरसों के तेल से करना चाहिए और भी ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। इस दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करें, खास तौर पर मंदिर की और माता काली की पूजा करें। इससे आपको सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा। इस दिन 14 दिए जलाएं और इन्हें अलग अलग स्थानों पर रखें। तो आइए आपको ये भी बताते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी तामसिक भोजन जैसे मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन बाल या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता आती है और कलह कलेश की स्थिति बनती है। इस दिन आप घर के दक्षिण दिशा को गंदा ना करें और यमराज की पूजा करें। ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी जीव को परेशान ना करें और ना ही मारे। इसके अलावा इस दिन घर में सोना नहीं चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।